प्यारे दोस्तों का को मेरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि आज आसफा के कातिल को गिरफ़्तार किया गया, जो कठुआ में जो पिछले दौरान बच्ची के साथ जिसने दरिंदगी की है। तो भाइयों और दोस्तों, अब कहने का मुद्दा ये है कि जिस बंदे ने ऐसा किया है हमारे इस देश में, हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर में, उसके साथ इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सरकार से अपील है कि आइंदा आने वाली जो हमारी पीढ़ी हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, वो ऐसा करने से पहले हज़ार बार क्या करोड़ बार सोचें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें, हमारा जो कानून है हमें सख्त से सख्त सज़ा देगा, ऐसा सोचें वो दरिंदे। दोस्तों, उसके बाद जो हमारे तालिब भाई हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं मुस्कुरा के उनको सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो भाइयों, तालिब भाई ने दिन रात मेहनत करके हक़ की खातिर लड़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो तालिब भाई एक अच्छे अमन पसंद इंसान हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। पर पिछले दौरान मेरी फ़ोन उनके साथ मतलब रابطہ हुआ था, तो मैं उनको पहले जानता नहीं था, कुछ अरसे पहले ही जानता हूँ मैं उनको। तो उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ, तालिब भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप। दोस्तों, अगर मैंने जो वॉइस ऑफ पूर्स का चैनल क्रिएट किया है, इसमें मैं बातें करूँगा आपसे जो मेरे साथ हुई हैं, जो गरीबों के साथ होती हैं। तो उससे पहले मैं निवेदन करूँगा, अगर जो नए पहली पहली मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल के जो नीचे वॉइस ऑफ पूर्स के साथ में बेल आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाएं। वो रेड, अगर वो बटन रेड है तो उसको प्रेस करें। अगर वो रेड है तो उसको प्रेस करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं दिल से बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जिन दोस्तों ने मुझे प्यार दिया, मुझे एहतराम दिया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही जालिमों को, जुल्म की हद पार कर चुके हैं जो, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सॉन्ग जो है, सॉन्ग एक लिखूं और उसको फिर राइट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो आप अगर मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं उसको रिलीज़ भी कर दूंगा। तो इसलिए अगर मेरा यूट्यूब चैनल, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आसफा को भी अच्छी तरीके से इंसाफ मिले। बाकी वसलाम।